18वीं लोकसभा की तस्वीरें अब आपके और हम सबके सामने हैं, लेकिन सवाल सबके जहन में ये, और ये सवाल का जवाब मिलना भी जरूरी कि आखिर लोकसभा बनी कैसे। 1919 का साल, जब ब्रिटिश इंडिया ने एक कानून को पास किया था जिसके बाद संसद के दो सदन का गठन हुआ। उस वक्त इन सदनों को क्या कहा जाता, पहले वो आपको बता देते हैं। तो उस वक्त सेंट्रल लेजिस्लेटिव के नाम से एक सदन को जाना जाता था, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। बाद में यही आगे चलकर लोकसभा और राज्यसभा में तब्दील हो गया। अब चूंकि हम मोदी 3.0 की चर्चा कर रहे हैं, मोदी 3.0 यानी कि 18वीं लोकसभा, जिसकी तस्वीरें आपने चुनाव के दौरान देखी भी, और अब जब उस लोकसभा के स्पीकर की बात होगी तो उसमें ओम बिरला का नाम भी आएगा। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर होंगे, और क्योंकि ध्वनिमत से उन्हें स्पीकर चुन भी लिया गया है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सुरेश को मैदान में उतारा गया था, लेकिन यहां पर चूंकि ध्वनिमत से ये सब कुछ साफ हो गया तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये पांचवीं बार है जब किसी लोकसभा स्पीकर को दोबारा चुना गया है, यानी कि ओम बिरला दोबारा चुने गए हैं, और ऐसा ये पांचवीं बार हो रहा है। ओम बिरला से पहले एम.ए. आयंगर, जी.एस. ढिल्लों, बलराम जाखड़, जी.एम.सी. बालियोगी दोबारा स्पीकर चुने गए हैं। हालांकि अब तक सिर्फ बलराम जाखड़ ही एकमात्र ऐसे कह लीजिए स्पीकर हैं जिन्होंने लगातार दो बार स्पीकर का कार्यकाल पूरा किया है। स्पीकर तो चुन लिए गए हैं और अब बारी डिप्टी स्पीकर की है। पिछली मोदी सरकार में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रह गया था। विपक्ष इस बार हालांकि मांग कर रहा है कि परंपरा यह है और उस परंपरा के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद जो है विपक्ष को मिलना चाहिए। विपक्ष की मांग ये जरूर है, हालांकि अब तक डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। डिप्टी स्पीकर के पद की संवैधानिक बाध्यता नहीं है, इसलिए डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होगा ये स्पीकर तय करेंगे। लोकसभा स्पीकर का पद संवैधानिक पद होता है। सदन के सबसे प्रमुख व्यक्ति स्पीकर होते हैं। सदन के स्पीकर की मंजूरी के बिना कुछ भी सदन के अंदर नहीं हो सकता है। और साल 2019 की चर्चा करते हैं, जब ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। इस कानून के जरिए ही सदन का गठन हुआ था। कानून के तहत सदन के दो सदन बनाए गए। पहला सदन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो निचला सदन था, और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि ऊपरी सदन था। संसद के दो सदनों को बनाने की सिफारिश मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स की तरफ से की गई थी। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में तत्कालीन विदेश सचिव एडविन मोंटागु और वायसराय लॉर्ड, जिनकी हम चर्चा करते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, चेम्सफोर्ड ने 1918 में एक रिपोर्ट तैयार की थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो लागू हुआ। शुरुआत में सेंट्रल लेजिस्लेटिव की अगर बात करें तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 142 सदस्य थे। अब इनमें 101 सदस्य चुने जाते थे, जबकि 41 को नामित किया जाता था। जिन 101 सदस्यों को चुना गया था उनमें 52 सामान्य, 29 मुस्लिम, 2 सिख, 7 यूरोप के, 7 जमींदार और 4 कारोबारी हुआ करते थे। बाद में हालांकि इसमें बदलाव लाया गया। 3 सीटें दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविडेंस जोड़ी गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए पहला चुनाव नवंबर 2020 में हुआ, और आजादी के बाद जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू हुआ, उस वक्त सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर दिया गया। इसके बाद 1950 में संविधान लागू होने के बाद से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम राज्यसभा रख दिया गया। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा जरूर, और तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड मेरे साथ।